हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज है 21st of March और अभी टाइम हो रहा है 8:30। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं बस एक कप चाय लेके बैठी हूँ। आज मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कल मूवी दिख कर आए और उसके बाद फिर रात को भी मैं कुछ ना कुछ काम में लगी थी, तो काफ़ी लेट हो गया था। और पता है रात को क्या हुआ? करीब 9:45 मेरा मन करा कि मुझे मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाने हैं 9:45 रात को। तो हस्बैंड ने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन वो ऑर्डर 11 तक नहीं आया। और इवन दो वो कह रहे थे अभी आधा घंटा और लगेगा, मैंने कहा यार 12 नहीं खाने का भी एक टाइम है। मैंने कहा नहीं, रहने तो कैंसिल करो। फिर हमने कैंसिल करा, फिर बस 11 एक कप चाय बनाई और सोते सोते 12 गए थे। काफ़ी लेट हो गया था, बट सुबह उठना वही टाइम पर होता है एज यू नो ऑफिस। तो अभी मैंने सुबह ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करा, मैं आपको कुछ सामान दिखाने वाली थी जो मैं लेकर आई थी परसों, वो मैंने नहीं दिखाया था, तो वो मैं दिखाती हूँ। क्योंकि उसके बाद मैं उसको वॉश करने डाल दूँगी और वॉश करने के बाद प्रेस व्रेस करके फिर वो सामान पैक हो जाएगा। कहाँ जाने के लिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये है वो सामान, मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई थी मैं। एक्चुअली एक तो मुझे लेगिंग्स लानी थी, मेरी लेगिंग्स ख़राब हो रही थी। मैं ना प्लाजोज वगैरह कम पहनती हूँ, वो हाइट का थोड़ा सा होता है ना, अगर आप थोड़े ढीले या प्लाजोज पहनो तो हाइट ना मुझे ऐसा लगता है कि और छोटी दिखती है, तो इसलिए मैं प्लाजोज नहीं पहनती। मैं लेगिंग्स या पजामियाँ पहनती हूँ सूट के साथ। तो ये 3 कलर हैं, एक ऑफ वाइट में मुझे चाहिए था लेकिन ऑफ वाइट मुझे मिला नहीं, तो मुझे एक वाइट मैंने लिया, एक रेड और एक येलो। पहले भी मेरे पास यही 3 पजामी थी, तो यही 3 लिए, वो ख़राब हो गई थी अब। और ये मुझे पड़ी है, पता है जो मैं पहले लाई थी वो मैं बिग बाज़ार से लाई थी और वो थी 250 की एक, और सेम वही क्वालिटी है और उससे अच्छी ही है। ये 200 की पड़ी है मेरे को, लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ। और लेकर आई थी 2 कुर्ते, वो दिखाती हूँ, जिसमें से मुझे ये वाला कुर्ते का ना स्टफ़ बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब पहन के भी वहाँ ट्राई किया था मैंने, बहुत सुंदर लग रहा था। सीधा हो जा, ये रहा सीधे में, मतलब ऐसे कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, है बिल्कुल प्लेन, लेकिन पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। ये इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, तो इसके वाइट लेगिंग के साथ ये चलेगा और ये रेड के साथ चल जाएगा। और येलो मैं अपने बाकी कुर्तों के लिए लेकर आई थी, और भी हैं, एक ये है, ये भी बिल्कुल सीधी सीधी लाइनिंग्स है इस पर। और इसका मुझे ना कलर, एक्चुअली ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। तो ये 2 कुर्ते मैं लेकर आई थी। हस्बैंड ने लिए थे टी शर्ट्स, तो वो तो उन्होंने पहनने भी स्टार्ट कर दिए। 2 स्टोल लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल हल्के से कॉटन के, ताकि कुर्तों के साथ कुछ तो हो, है सेम स्टफ के और सेम ही डिज़ाइन है, सिर्फ कलर अलग है। तो ये 2 स्टॉल्स थे और दोनों स्टॉल बहुत पतले हैं, एकदम पतले कॉटन के से। तो ये कुछ सामान मैं लेकर आए थे। एक्चुअली आज ये सारा स्टॉल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं वॉश करने डाल दूँगी दोनों चीज़। तो चलो यार, अभी मैं पीती हूँ चाय, मेरी चाय मेरा वेट कर रही है। देखो छोटे से कप में चाय ली है मैंने। मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। अच्छा, कुर्तों का रेट मैंने नहीं बताया, मैं भूल गई। ये वाला जो कुर्ता है ये था, आई थिंक ये 350 का था, ये वाला 350, और ये वाला 300 का था। अभी बस इसमें ना एक तो जैसे धागे से निकले हुए हैं, ये मुझे कट करने हैं, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। और ये जो दोनों स्टॉल्स थे ये 100 के थे। तो ये सामान लाई थी। कनिष्क के कपड़े पहले ही आ चुके थे, कनिष्क के मैंने आपको दिखा दिए थे। कनिष्क की शॉपिंग हो चुकी है, मेरी हो चुकी है, आज हस्बैंड की शॉपिंग करने जाना है, उनका कुछ सामान लेकर आना है। टी शर्ट्स आ चुकी है, 2 टी शर्ट्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने पहनने भी स्टार्ट कर दी। और तो आई थिंक कुछ भी नहीं है बस, बाकी सब कुछ डन।
गुड मॉर्निंग कहते हो, गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। आज है 22nd of March और कल मैंने कुछ भी बाद में व्लॉग नहीं किया था, थोड़ा सा तबीयत अपडाउन चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रेस्ट किया जाए। अभी कन्नू बनाएगा चाय, तो कुछ काम करने, अभी कुछ सामान आया था सबसे पहले तो वो रिसीव करा है ग्रॉसरी का। और अभी कल पता क्या हुआ था, कल ब्रेड चाहिए था और एक शायद हस्बैंड ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और एक कुछ और था, दो तीन चीज़ चाहिए थी। 7:30 बजे ऑर्डर करा था और 20 मिनट में सामान आ गया था, विद इन 20 मिनट्स। मतलब इतनी देर में तो हम खुद भी जाके और जब तक हम वहाँ शॉप पे पहुँचेंगे और लाएंगे तब भी इतनी देर में नहीं आता। तो 20 मिनट में स्विगी से सामान आ गया था। स्विगी से ग्रॉसरी भी आती है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप ज़रूर चेक करना, स्विगी से हम ग्रॉसरी भी मंगा सकते हैं और विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके डोर पे सामान होता है। ये सर्विस भी अच्छी है स्विगी की। अभी मैं बना रही हूँ चाय और आज लिस्ट बहुत लंबी है काम की, मुझे नहीं पता मैं कितने कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई, मैं मैक्सिमम कर पाऊँ। एक दिक्कत हो गई आज हमारे साथ, पता है क्या, मैं दिखाती हूँ। मैक्सिमम बर्तन इस वाले ड्रॉर के बाहर रखने पड़ रहे हैं क्योंकि ये ड्रॉर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, ये बस इससे ज़्यादा खुली नहीं, यहीं पे रुक गया और जो अंदर के बर्तन है वो निकल नहीं पाते और बहुत टाइट है इससे आगे, बहुत ज़्यादा। अब वापस जाऊँ करूँगी, अब ये वापस नहीं हो रहा, ऑयल भी डाल लिया साइड से, सब कुछ करके देख लिया बट ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब या तो बहुत फोर्स लगेगा, ये देखो अब यहाँ अटक गया, अब खींचो, अब फिर यहाँ अटक गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, बर्तन मैंने बाहर रखे क्योंकि बार बार बर्तन निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इधर बन रही है चाय, गैस अभी साफ नहीं है क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस गए थे। हाँ बेटा हस्बैंड अभी ऑफिस गए थे ना, तो रोटी बनाई थी मैंने, सब्जी आज हस्बैंड ने ही बनाई क्योंकि मैं रात में बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, बहुत तबीयत खराब थी, तो सुबह उन्होंने उठ के खुद ही सब्जी बनाई है आलू पालक की। कन्नू को खाना है बिंडॉन और ये बिंडॉन क्या होता है आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, बिंडॉन की असली सच्चाई क्या है, इसके पीछे का राज। तो दोस्तों क्या है ये बिंडॉन, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये बिंडॉन क्या है। तो ये है बिंडॉन ढा डिश डिश, तो ये है असली बिंडॉन की सच्चाई। बिंडॉन का असली नाम है डार्क फैंटेसी, इसका नाम बिंडॉन नहीं है। ओके क्या नाम है इसका, डार्क फैंटेसी। ब्रश कर लिया आपने, शो मी योर टीथ, डन। चलो दूध गर्म हो गया, चाय बनाए, चाय बनाते। बोल रही है चाय, लाइट कर देती हूँ बंद और मैं आपको सामान दिखाती हूँ, पहले चेयर पे बैठ जाओ। आज मंगाया था एक्चुअली चीनी वगैरह ना, ये जो चीनी है ये ना फ्री आती है, मतलब इसमें क्या होता है कि हम कुछ सामान मंगाते हैं तो कुछ आइटम हमें फ्री मिल जाते हैं। तो ये 1 किलो चीनी है जो मुफ्त है, जो फ्लिपकार्ट से मंगाया है। मैं आपको बताती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा, तो फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा जिसका प्राइस होता है 375, वो मिला है 303 रुपये का। और काबुली चना है जो 100 रुपीज़ का प्राइस है, वो मिला है 88। और राजमा जो है 150 प्राइस है, वो मिला है 121। और ये क्या है, शुगर मिली है 1 रुपये की, ये रहा जिसका प्राइस है 65। और बिस्किट्स हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, वो भी 1 रुपये के मिले हैं। और तूर दाल है, अरहर की दाल है, वो 98 रुपीज़ की मिली है जिसका प्राइस है 195। हाँ बेटा अभी खोल रही हूँ, एक सेकेंड रुको। पार्क एवेन्यू ये सोप मंगाया था 165 के हैं जिसका प्राइस हमें पड़ा है 92 रुपीज़ का। और कोलगेट मंगाया था 270 का जिसका प्राइस हमें पड़ा है 124। एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो इतने का सामान था 1385 का जो हमें पड़ा है 828 रुपये का।
सो ये है 10 किलो आटा, इसके ऊपर ये चीनी जो कि है मुफ्त, और ये है तूर दाल, अरहर की दाल, चने की दाल मैं भूल गई मंगानी, याद ही नहीं रहा, चने की दाल भी ख़त्म हो रही है, और छोले मंगाए हैं, छोले ख़त्म हो रहे थे, राजमा ख़त्म हो रहे थे, राजमा मंगाए हैं, राजमा ये कौन से वाले आ गए, चलो कोई भी आए बन जाएंगे सब, ये है पार्क एवेन्यू सोप, और क्या है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, और क्या है ये है कोलगेट चारकोल वाला जो होता है ना ब्लैक वाला, ये वो पहली बार यूज़ करने आ रहे, मैंने कभी नहीं करा ये यूज़, और इसके साथ में ब्रश, और है डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो ये सामान अभी अभी आया है, इसको अपने अपने जगह पे लगाना है, अभी वो बाद में लगाऊंगी, पहले पीऊंगी चाय। तो देखा ना आपने, ऑनलाइन सामान मंगाना भी कई बार फ़ायदेमंद होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि लोकल मार्केट में जो सामान मिलता है वही सस्ता मिलता है, ऑनलाइन सब कुछ महंगा आता है, ऐसा कुछ माइंडसेट है काफ़ी लोगों का, बट ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सामान हमने नॉर्मल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते में और बहुत कुछ ख़रीदा हुआ है। चलो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा होगा। इसके बाद ट्यूशन स्टार्ट हो गई थी, और ये जो पूरे एक दिन का व्लॉग है ना, ये बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने दो पार्ट्स में बनाया, तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं बस बच्चों को फटाफट से काम दे रही थी, क्योंकि उसके बाद काफ़ी बिजी रूटीन रहा जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बस ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।